नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है। बाजारवाद के इस दौर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया था, लेकिन बदलते समय और शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा बदल दिया गया है। नया अधिनियम अधिक समग्र और कठोर होने के साथ साथ सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया और शिकायतों के ई फाइलिंग का प्रावधान भी लाया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने निकटतम न्यायालय में दर्ज करा सकेंगे। वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में लोगों में किसी भी जरूरी गैर जरूरी चीज़ को खरीदने की होड़ सी लगी हुई है। शायद इसी का फ़ायदा कुछ विक्रेता और कंपनियां उठा रहे हैं। ये लोग कई बार लोगों को घटिया क्वालिटी की चीज़ें बेच देते हैं, टूटे हुए उत्पाद बेच देते हैं, तय कीमत से अधिक कीमत वसूल लेते हैं और कई बार तो वस्तु की मात्रा भी कम कर देते हैं। इस तरह की चीटिंग आए दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है। इसलिए सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है। हालांकि हमारे पास कुछ कानून है जो कुछ हद तक उपभोक्ताओं की रक्षा करते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तुओं की बिक्री अधिनियम 1936, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, वजन और माप अधिनियम 1976, खतरनाक ड्रग्स एक्ट 1952, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952 आदि। लेकिन इन कानूनों में सिविल सूट दाखिल किया जाता है, जो कि बहुत महंगा है और समय लेने वाला होता है और मामले के अंतिम निर्णय में वर्षों लगते हैं। इसलिए निर्णय आने में देरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया, जो कि कम समय में उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान उपलब्ध कराते हैं। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इसमें केवल एक उपभोक्ता ही केस दायर कर सकता है। इसलिए अब यह प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता किसे माना जाए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कौन कौन व्यक्ति उपभोक्ता है, आइए जानें। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसने रुपए का भुगतान करके कुछ खरीदा हो। एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं, लेकिन खरीददार की अनुमति से सामान का उपयोग करता है, वह भी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, वह उपभोक्ता नहीं है। नेक्स्ट, स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। उपरोक्त लोगों के अलावा निम्न लोग भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो। दूसरा, मृतक उपभोक्ताओं के कानूनी वारिस। तीसरा, उपभोक्ता के पति या पत्नी। चौथा, उपभोक्ता के रिश्तेदार। आइए जानें क्या कोई उपभोक्ता खुद शिकायत दर्ज कर सकता है। जी हाँ, इसके लिए उपभोक्ता को वकील करने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता स्वयं अपने केस दर्ज करा सकता है। यहाँ तक कि एक आम आदमी जिसने कानून की पढ़ाई नहीं की है, वह भी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज करा सकता है। इसके पश्चात जानें उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें। औपचारिक रूप से एक उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह शिकायत दर्ज करने से पहले विपक्षी या विक्रेता या कंपनी को उसकी वस्तु या सेवा में कमी
के बारे में एक नोटिस के माध्यम से मामले को अवगत कराएं। यदि विक्रेता या कंपनी अपने उत्पाद या सेवा को ठीक करने के लिए तैयार हो जाता है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। परंतु यदि नोटिस देने के बावजूद भी विक्रेता या कंपनी उपभोक्ता की समस्या का समाधान नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। किसी भी केस को उसकी आर्थिक योग्यता की आधार पर इन तीन स्तरों जिला मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग पर उठाया जा सकता है। आइए जानें उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। चरण पहला, पहले फोरम में न्याय क्षेत्र की पहचान करें जहां शिकायत दर्ज की जानी है। इसका निर्धारण करने के दो तरीके हैं। पहला, वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में है। दूसरा, वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। इसके पश्चात उपभोक्ता मंचों का आर्थिक क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। क्रम संख्या, फोरम, धनराशि। तो जाने जिला मंच जो 20 लाख रुपए तक का केस देख सकते हैं। राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस देख सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक का केस देख सकते हैं। सेकंड चरण, आपको अपने केस के अनुसार जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करना होगा जिसमें यह बताना जरूरी होगा कि आप केस क्यों दाखिल करना चाहते हो। नेक्स्ट, इस शिकायत में बताएं कि मामला इस मंच या फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है। नेक्स्ट, शिकायत पत्र में के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र लगाना होगा। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पाद का विवरण, पता, क्षतिपूर्ति राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख करना ना भूलें। नेक्स्ट, अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे खरीदे गए सामानों के बिल, वारंटी और गारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कंपनी या व्यापारी को की गई लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद को सुधारने का अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति के अलावा धन वापसी, मुकदमेबाजी में आई लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्चा मांग सकते हैं। आप इन सभी खर्चों को अलग अलग मदों के रूप में लिखना ना भूलें और कुल मुआवजा शिकायत फोरम की कैटेगरी के हिसाब से ही मांगें। नेक्स्ट, अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हो तो कृपया देरी की व्याख्या करें जो कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सकती है। नेक्स्ट, आपको शिकायत के साथ एक हलफनामा दर्ज कराने की भी आवश्यकता है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता किसी भी वकील के बिना किसी व्यक्ति या उसके अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शिकायत पेश कर सकता है। शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना है। इसके अलावा आपको विपक्ष पक्ष के अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त प्रतियां भी जमा करनी होगी। आजकल उपभोक्ता वाद के ज़माने में भी उपभोक्ता राजा होता है वाली कहावत चरितार्थ है करने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया है ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। उम्मीद है कि ऊपर दिए गए स्टेप की मदद से आप किसी दुकानदार या कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी शोषण या धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।